लातेहार जिला और पूरे झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। हम लोग का चुनाव फर्स्ट फेज में है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एकदम सतर्क है और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग फ्री एंड फेयर चुनाव कराएंगे। वोटिंग प्रतिशत बढ़े इसको लेकर सर किस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए? हम लोग का स्वीप प्लान बना हुआ है पूरे महीने का। आज से हम लोग ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। स्वीप प्लान का भी कॉपी हम लोग आपको उपलब्ध करवा देंगे और उसकी लोकेशन भी आप लोग उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग के भी माध्यम से हम सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि अपने मताधिकार का 100% उपयोग करें और बढ़ चढ़ के वोटिंग करें। सर, जो बूथों को रीलोकेट से कर दिया जाता है और मतदाताओं को मतदान करने में परेशानी होती है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जहाँ जहाँ बूथ रीलोकेट होंगे वहाँ पे हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि जो वोटर्स हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो और उनको हम लोग सारी सुविधा देंगे जिससे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अनाउंसमेंट के साथ ही जो SOP है 24 आर के, 48 आर के और 72 आर के, इसका भी तत्काल रूप से अनुपालन कराया जाएगा और विभिन्न पूरे जिला में और दोनों विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न टीम्स बनाई गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, SST की टीम है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकनाका है, इंटर स्टेट भी चेकनाका है और ये सभी इन चीज़ों को सी विजिल के माध्यम से भी एक ऐप है जिस पे कि पब्लिक कंप्लेन कर सकते हैं। इन सभी स्रोतों से जो भी ऐसी सूचना अगर प्राप्त होती है कि MCC का वायलेशन किया जा रहा है तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या BNS के अंतर्गत।